एबीसी टाइप क्वेश्चंस ऑफ एल्डेडन किटोन्स, तो उसमें कुछ बड़ी यूजफुल चीजें आपको बता रहा हूँ। पहले है ना, हर जब भी क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूला गिवन होता है। देखो ऐसे अगर किसी का फॉर्मूला ये है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन डबल और एक ऑक्सीजन, तो समझ जाओ कि वो अल्डिहाइड या किटोन हो। मतलब ये जनरल फॉर्मूला होता है किसका, अल्डिहाइड किटोन। C3H6O हो जाएगा, C2H4O हो जाएगा। अगर फॉर्मूला ऐसा है, CN2H2N+2O ऐसा है, तो समझ जाओ कि फिर वो एल्कोहल या ईथर बनेगा। और अगर जो फॉर्मूला है वो ऐसा है, CnH2nO2 है, तो समझ जाओ कि वो ओइक एसिड या एस्टर बनेगा। तो आपको देख के आइडिया हो जाएगा ना। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, जैसे देखो क्या है इसमें, C3H8O, तो ये किससे आ रहा है, एल्कोहल, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन डबल से दो ज्यादा है। ये देखो ना भाई, कार्बन के हाइड्रोजन कितने होने चाहिए थे, 6 होने चाहिए थे ना, लेकिन 8 है, डबल से ज्यादा है, तो ये क्या होगा, एल्कोहल होगा। ये ईथर का तो कोई काम है नहीं ना इस चैप्टर में, ठीक है, नोट करना जरा। के सामने उसका एक एग्जांपल लिख दो। नेक्स्ट जो बेटे हम देखते हैं ट्रिक एक और, वो देखते हैं, जैसे ज्यादातर क्वेश्चंस में ना ऐसे बताया होता है कि ये कंपाउंड जो है ना वो पॉजिटिव, बड़ा इजी है वैसे, पॉजिटिव टॉलरेंस दे रहा है या पॉजिटिव फैलिंग्स दे रहा है, तो समझ जाओ कि फिर वो एल्डिहाइड ही होगा, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव टॉलरेंस या फैलिंग टेस्ट दे रहा है तो वो समझ जाओ वो एल्डिहाइड है, और अगर नेगेटिव दे रहा है तो वो कीटोन, ठीक है ना। अच्छा, नेगेटिव दे रहा है तो नेगेटिव टेस्ट आ रहे हैं तो वो कीटोन। और ये भी लिखा होता है बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर, बहुत सारे क्वेश्चंस में ना ये भी लिखा होता है कि ये मतलब जैसे 2,4-DNP टेस्ट देता है, ये जो है वो ऑक्साइम बनाता है, ये जो है वो सोडियम बायसल्फाइड से रिएक्शन करता है, ऐसा कुछ भी लिखा है, तो समझ जाओ वो यही कह रहे हैं कि वो कंपाउंड अल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है ना, अल्डिहाइड या कीटोन है। वो आपको ऐसा बोलेंगे 2,4-DNP टेस्ट देता है, ये ऑक्साइम बनाता है, ये सोडियम बायसल्फाइड से रिएक्शन करता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये एल्डिहाइड या कीटोन है ना। तो ये हो गया, लिख रहे हो साथ साथ, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा ये है कि अगर कहीं पे लिखा है कि ये येलो प्रेसिपिटेट बना रहा है I2NaOH के साथ, अगर ये येलो प्रेसिपिटेट बना रहा है आयोडीन और NaOH के साथ, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो इस कंपाउंड के अंदर ये चीज जरूर होगी, मतलब वो आइडोफॉर्म टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो उसमें उस कंपाउंड में मिथाइल कीटोन कहते हैं उसको। मतलब अगर वो कहते हैं कि वो हेलो फॉर्म रिएक्शन करता है, आइडो फॉर्म टेस्ट देता है, तो ये सब एक ही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं आपको कि उस कंपाउंड में ये चीज होगी CH3। इसको क्या बोलते हैं, इस चीज को, मिथाइल कीटोन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और बाकी थोड़े बहुत और बता देता हूं, जितने भी हो सकते हैं ऐसे तुम्हारी हेल्प के लिए, जितने भी हो सकते हैं ऐसे, इसमें मतलब और तरह के क्वेश्चन भी हो जाएंगे तुमसे, है ना। अच्छा, ऐसा पूरा एक टेबल बना रहेगा ना। जैसे देखो, अगर आपको कहते हैं कि जैसे कहीं पे लिखा है जी ये चीज जो है ना वो ZnHg से रिएक्शन कर रही है, तो ZnHg से रिएक्शन करने का मतलब क्या हुआ, वो क्लेमेंजन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ये मैं नेम रिएक्शन को एक बार दोबारा से मतलब ऐसे बता रहा हूँ कि तुम्हें निशानियां बनानी है कि ZnHg की बात कर रहे हैं तो किसकी हो रही है, क्लेमेंजन की हो रही है। अगर कहीं पे लिखा है डायल्यूट NaOH से रिएक्शन हो रहा है, या डायल्यूट KOH से हो रहा है, या डायल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड से हो रहा है, तो समझ जाओ वो एल्डोल की बात कर रहे हैं। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो पहले बताना चाहता था लेकिन 10 नंबर पॉइंट में बताता हूं, वो होता है कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन का जो नंबर है, नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं, तो समझ जाओ कि वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। कैसा होगा बेटा, एरोमेटिक, ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं। जैसे कि अगर किसी का फॉर्मूला है मान लो C9H10O ऐसे, तो वो मतलब कार्बन हाइड्रोजन का नंबर ऑलमोस्ट बराबर अगर आ जाता है तो समझ जाओ वो क्या है, एरोमेटिक। जैसे C8H8O भी होता है, C8H8O ऐसा फॉर्मूला आ रहा है, तो समझ जाओ कि वो क्या है, एरोमेटिक।
इतने कार्बन हाइड्रोजन बराबर जब होते हैं तो वो किसकी निशानी होती है? एरोमेटिक की। तो आई थिंक ये 10 मतलब बेस्ट ट्रिक्स बेस्ट टिप्स हैं ये पता लगाने के लिए। एक बार इनको रिकॉल कर दूं, इससे तुम्हें ना वैसे क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम ट्राई करते हैं, जैसे हमें ये वाला हॉट क्वेश्चन करना है। कह रहे हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, उसका फॉर्मूला C8H2 है, उसमें कॉपर ऐड करा तो क्या बना? और बी है वो फैलिंग को रिड्यूस नहीं, मतलब वो कीटोन होगा, लेकिन आई येलो प्रेसिपिटेट जरूर बना देता है जब वो किससे रिएक्शन करता है। तो ये पता है ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और 11 साल बाद 2022 में ये एक्सेस पूरे पूरे हैं। जल्दी करके देखो का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक अल्कोहल है, बी कीटोन है और सी जो है वो आइडो फॉर्म है। सी क्या है बेटा? आइडो फॉर्म। सी क्या है? आइडो फॉर्म। आओ देखते हैं एक बार ही और क्या। सी आइडो फॉर्म है। ए क्या था? C3H8O। इसमें क्या ऐड करा था? कॉपर। कॉपर ऐड करने से ये क्या बन गया होगा? C3H6O बन गया होगा। और यानी कि ये जो तीन कार्बन कंपाउंड है ये एक कीटोन ही होगा। कैसे पता लगा? क्योंकि ये पगला आइडो फेलिंग टेस्ट, तो वो कीटोन ही होगा। तीन कार्बन कीटोन तो ऐसे ही बनेगा। अब तीन कार्बन कीटोन अगर ऐसे बनेगा तो तीन कार्बन का अल्कोहल भी तो इसकी शक्ल से मिलता जुलता होगा, उसके भी तो बीच में ही OH होगा। किस साइड में होगा? बीच में ही तो होगा। कॉपर ऐड करने से डिहाइड्रोजिनेशन ही तो होगा बेटे। और फिर जब इसमें क्या ऐड करोगे तुसी? तो जो ये चीज होती है ना बेटा, ये चीज ये बन जाता है येलो कलर का आइडो फॉर्म। तो ये है हमारा ए, ये है क्या बी, और आइडो फॉर्म वाला क्या है सी। बढ़िया लगा नहीं लगा बेटे क्वेश्चन? ठीक है, ऐसे और डिस्कस करते हैं आज। कंप्लीट द रिएक्शन का एक और क्वेश्चन आया है। यहां से एच गया और यहां से क्या गया? सी एल। और ये हो गया एक तरह के बेंजोइलेशन की तरह हो गया। जो ये कंपाउंड बन गया है ना CO C6H5, ये फ्रीडरक्राफ्ट असाइलेशन की तरह ही तो है। इसका नाम पता है? बेंजोफिनोन। नाम है इसका? एक इसका छोटा भाई होता है एसिटोफिनोन और ये बड़ा भाई है बेंजोफिनोन। दोनों बेंजीन, मतलब बेंजीन सीओ बेंजीन, बेंजीन सीओ बेंजीन, क्या बन जाता है? बेंजोफिनोन। इसमें क्या होता है? ये प्रोपाइन है। ट्रिपल बॉन्ड वाले एक ही रिएक्शंस होते हैं, जैसे इथाइन से इथेनल बनता है और प्रोपाइन से प्रोपेनॉन बनता है। बेटे क्यों भूल जाते हो बार बार? इसमें करके नहीं दिखाना होता टोटोमेरिज्म वगैरह, बच्चे को अगर याद है सीधे लिखते प्रोपेनॉन। और इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है? CH3 जगह क्या जाता है? CHO। और यहां पर क्या जाता है? NO2। अब इससे जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ये NaCNHCl ऐड करना है, एक्चुअली ये छुपा के दिया होगा, ये बनेगा क्या? HCl। तो जो CHO वाला ग्रुप होता है ना, देखो ऐसे ये ऐसे ओपन होगा, देखो जैसे ये जो है ना ऐसे ओपन होगा, ये ऐसे ओपन हुआ। इसमें क्या ऐड करा हमने? HCl। ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का पहला होता है। यहाँ CN, यहाँ H जाएगा और यहाँ क्या जाएगा? CN। तो पता है क्या बन जाएगा? जरा देखो एक बार, ये CH और यहाँ पे क्या लग गया आके? OH। और यहाँ पर एक CN आ जाएगा और यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पे CN है ये। ठीक है, ये था ये। अब फटाफट 56 जल्दी करके दिखा दो मेरे को, जरा 56 वाले जल्दी करके दिखाओ। सर टैक्स HPP जो हुआ अरे जो है HCN बनाया है, ये HCN बना बनाया थोड़ा मिलता है। क्या कह रहे दुर्लभ सर? ये रिएक्शन CO HP भी तो हो सकता था। समझ नहीं आ रहा, पहले आप ये वाला करो 56 पर, देखते हैं जो आप क्या कह रहे हो। व्हाट्सएप कर दो। इसमें अगर आप ऐसे ऐसे देखो, ये क्या निकालना होता है? जहां NH2 वाला देखो वहां पे क्या निकालना होता है? वाटर निकाल के इसको यहीं से ही जोड़ना होता है, इसको यहीं से ही जोड़ना है बेटा। ये देखो ये सी, यहाँ पे क्या पता है? NCH2CH3 ऐसे।
और ये सी एच थ्री जो है वो ऐसे का ऐसे, और इसका नेम है एसीटो, ठीक रहेगा। उसका नाम होगा स्किफ बेस बनता है ना ये ऐड करने के बाद, अब वो जब अल्काइल अमाइन ऐड करते हैं, इसका नाम है स्किफ बेस, इथाइल स्किफ बेस ऑफ एसिटोफिनोल। ठीक रहेगा। अब